जय मनमात श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु और आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्राणवशी श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मा जुगाचार्य श्री श्री बड़ौदा आदि भरस प्रधानाचार्य चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अविंदा और ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज शुभ सकाल पुण्य सत्संग पूज्य परिचालक श्रीयुक्त निरंजन बेहरादा सप्रति ऋतिक एवं उपस्थित समस्त पूत पांजाधारी ऋतिक मंडली कर्मी मंडली समस्त को मोर आभनिष्ट प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनी कुनी पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राभरा जय को जनाए। आज सुधा निर्झर उपासना केन्द्र पीएमपुर एवं उपयोजना केन्द्र जालोई मिलित आनुकूल्य जो 469तम ये वर्चुअल सत्संग आयोजन कराई समस्त आयोजक मंडली एवं आज जी भोग निवेदन करीयुक्त अभिमन्यु साहू बीएमपुर एवं श्री राधेश्याम मेंडलिदा जालोईरु पारिवारिक मंगल पाई भोग निवेदन पारिवारिक जीवन सहित पंच महाजीवन शांति स्वस्थ भरी जाऊ ता ही परमपिता निकट में सर्वप्रथमें मोर प्रार्थना जनाए। सुदूर भुवनेश्वर रु आम सदय रविनारायण सेठीदा जी की प्रथम संगीत गान कले दादा निर्देश देते आज यही सत्संग जोगदेवाई तो मोर परम सौभाग्य आज सत्संग जोगदेवार सुजोग पाई आपण मान सहित मिसार सुजोग पाई। आज समस्त आम जानते शारदीय दुर्गा पूजा सबुआड़े अत्यंत आनंद उत्साह सहित पालन करा जाए ये जो दुर्गा माँ जो पूजा ठाकुर कहते मुझा कहे एवं मुझा करे तू जदि करूना बादी तू पालन करूना तेरे तोर भल पाइबा मो प्रति किसी ना तेणु भल पाइबा थिले भक्ति आसे एवं से भक्ति ही तेणु तीन टा शब्द आम जानी गोटे हूँ भल पाइबा आ गए भक्ति आ गए भय तेणु पूजा माने पूरित हवा आम जहाँ को पूजा करुचु आराधना करुचु तांकर आदर्श तांकर जीवन गाथा जो मूल लक्ष्य ताम जीवन में फुटे उठवा ता हूँ पूजा पूजार मूल लक्ष्य जदि ता न हुए तेरे ताक प्रति भल पाइबा थिले ता संभव हुए मु निज जीवन तांकर गुण गारिबा को चरितार्थ करि पारे एवं तांको प्रति मोर भक्ति आसे किंतु आज ये आडम्बर युक्त पूजा जो चली सबुआड़े से ना भल पाइबा अच्छी ना भक्ति अच्छी ता भीतर केवल गोटे मात्र जिनस अच्छी ता होची भय तेणु अनेक समय देखा जाए मनीष भयभीत होश्वर पाखक जाए यहीटा नक सेमती हो दुर्गा माँ जदि आराधना न करा जाए प्रत वर्ष ताल तुम पर बच कि तुम एमती किसी क्षति हो तेणु यही भल पाइबा और भक्ति मनीष भितर आेणु भल पाइबा भक्ति को दूरेदेलापर आज जहाँ रही हूँ भय मनीष भयाकूल हो विभिन्न देवादेवी को पूजा करुच मात्र तेणु जहाँ दुर्गा
आम जानी दुर्गा हूँ जोगमाय क्या जाए से विष्णु भौणी बिली क्या जाए कहीं जिते सी विष्णु धराधाम श्रीकृष्ण रूप से जन्मलाभ करते अष्टम गर्भर जो जन्मलाभ करते ठीक से जशोदा और नंद कूल से जो झीटी जन्म नहीं सी होते जोगमाय आहाँ को जो कंस दर्शन कराइला से सब ऊपर रही बाणी दे तोर ते तोर मृत्युप अष्टम गर्भ सतान से बढ़ुची से विष्णुकर भौणी बिली कह जाए एवं जानचु आम से महिषासुर बध करते महिषासुर एक बड़ राक्षस कि ब्रह्मा को प्रीत करी भक्ति बल प्रीत करी जिते से ब्रह्मा पाखु आशीर्वाद पाई एवं से आशीर्वाद बल जो ब्रह्माता कहले आशीर्वाद दे ब्रह्माता कही मनुष जन्म हेले ही ये धराधाम तिथि हूँ जी जन्म नहीं मृत्यु हम तार ताकू तो रोक जा पार नहीं से मागिदे गोटे मो आकाश में मरबी कि मरबी तेनाली से कही गोटे नारी पुरुष हाथ पद से भावुले नारी से बलिया नुह जी ताकू बध कर से प्रकार बर मागिदे ब्रह्माता से बर दान करते से बलने बलिया जिते अचराचर विश्व को से निजर अधिकार नवाक चाहिए और समस्त को विभिन्न प्रकार दुख कष्ट दबाक चाहिए से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मिसिकी जो डिवाइन पावर थिला से डिवाइन पावर आदिशक्ति नाम रे एक मानने संग्रामी महिला तैयारी करते जहाँ को दुर्गा बोली कहू एवं दुर्गा को तांको माने सिंह वाहन दे हिम वाहन बोलिकी हिमालय जो कथा किंतु ठाकुर कौन कहते ठाकुर कहते जे ये धरा पृष्ठ जदि रक्तमांस धरिकी कौन सी दैव पुरुष धराधाम आसी रामचंद्र तेरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो कथा सी ठाकुर कहते ये हूँ सृष्टि गोटे गोटे तत्व तेणु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी सेमती कौन सी देवता ये धराधाम जन्म नहीं ना तेणु यार जो विष्णु ये दुर्गा जो आह्वान ता एक सृष्टि गोटे तत्व मुझे जगह पढ़ी और मोर से मन हुए जे दुर्गा जो दुर्गा जो दुर्गा माँ बिलिकी बिली धरा जाए तेणु ये महिषासुर सी अधा षंड आधा मनीष थिला तेणु यही प्रकार आकृतिर मनीष ये सृष्टि विवर्तन भितर से प्रकार आकृतिर मनीष सृष्टि होते जे कि अत्यंत हिंस्र जातीय थिले तेणु ये धरापृष्ठ से समस्त को से कहारी को मानु नथिले ये इवोल्यूशन भितर तार कहीं सृष्टि होता से प्रकार जीवर ये धरापृष्ठ जितने समस्त को माने से हेयज्ञान कर समस्त को दंशन करवा आरंभ कले जहाँकि ये त्रिमूर्तिर कथा जहाँकि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मिसिकी जो तैयारी कले आदिशक्ति बिलिकी तेणु प्रथम करी मोर मन हुए पृथ्वी पृष्ठटा समतल भूमि थिला समतल भूमि उपर से गतिपथ एत तीव्र होता जो तीव्रता गति फल महिषासुर जहाँ आम कहे से अनेक मान को दंशन करी ए प्रकृतिर अनेक जीव जंतु गचनता नष्ट कर हिमालय जो हिमाभन जो बरदान कले से मोर मन हुए बोधे आग्नेयदिग्रहण हो छोट बड़ अनेक पहाड़ पर्वत सृष्टि से पहाड़ पर्वत धीरे से मैंने दंशन होत छोट छोट पहाड़ को ओवरकम करके चढ़ चली जा शेष हिमालय पर्वत गोटे या जोठी की से जाकि धक्का खाई धीरे धीरे वंशटा पूरा निपात हो जाए मोर एमती मन हुए ये बोधे वैज्ञानिक कारण थे तेणु जहा हूँ मनीष को यो मातृशक्ति पूजा करने दुर्गा माँ जो पूजार आह्वान करा कि समस्ते
आज उत्सव मुखर हो उठी सारा दुनियाटा एवं यही दुर्गा पूजा टा साधारण ईस्टर्न इंडिया रे ही देखा जाए विशेषतः अदर पार्टस रे देखा जाए नी। एवं ठाकुर तो कहते नारी हूँ शक्तिर तनया तेणु नारी को पूजा कर एवं नारी को भक्ति कर एवं जहाँ फल खाली व्यक्तिगत जीवन कौन पारिवारिक जीवन कौन एवं सबु जीवन रे तुम्हें शांति सुस्थिर अधिकारी हो पार। तो यही क्रम मोर मन पड़े जे हर्षवर्धन कथा हर्षवर्धन जिते राज्य हरैथिले जो राजा तांको अधिकार कर लेते से राजा को तांको बंदी कर ले कि कारागार रखा पूर्व से राजा तांको से दिन पचारिथिले तुमको गोटे प्रश्न पचारि जब तुम उत्तर दे पार तेज तुम राज्य को मुझ तुमको पुणी तुमको राज्य फेरस्त पाइब और राजगादी फेरस्त पाइब एवं से हर्षवर्धन को सी पचारे जे मोर से प्रश्न था जे नारी पुरुष थारु कौन चाहे एवं ताकु समय दे हर्षवर्धन को से प्रश्नर उत्तर को खोजापाई गोटे मस समय दि जाता हर्षवर्धन अनेक नारी अनेक जगह पंडित अनेक पाखक से जाती प्रत्येक प्रत्येक अनेक प्रकार विभिन्न प्रकार नारी विभिन्न धर्मर नारी को सी जा भेटी एवं समस्त पाखु से उत्तर आशा कर उत्तर जे वास्तविक जे नारी पुरुष पाखु कौन चाहे सांगे बंधु अच्छा समय जड़े कहते जे ये जड़े राक्षसी रोचे जड़े अति कदाकार नारीटे रोचे सी अत्यंत ज्ञानी एवं जाकि पचारतु एवं जड़े से मायाबिन नारी गोटे रोचे जा पचारतु सी हम कहीपे तार उत्तर अनेक किसी अनेक सजेसन दे नारी पुरुष ठार् टा चाहे ऐश्वर्य चाहे एवं तार मातृत्व चाहे एमती अनेक किसी उत्तर कि उत्तर हर्षवर्धन साटिस्फाए होना एवं जो से मायावी नारी पाख जो जाती जो अन्य एक प्रदेश में से बसवास कर बंधु सहित जाते जा नारी को जो प्रश्न पचार हर्षवर्धन पचारि नारी पुरुष ठार् कौन चाहे से नारी की जो देखी से अत्यंत वयस्का नारी एवं देखापे अत्यंत कदाकार देखा जाती देखापे अत्यंत कुशित प्रकार देखा जाती से कही से नारी कही जी मुझे तुम जी यार उत्तर चाह तेब तुम बंधु जी आस मत बहुत करने पड़ो से हर्षवर्धन दुख प्रकाश कर जे सी गोटे उत्तर पर बंधु जीवन को त्याग करने चाहे ना कि बंधु राजी कारण से राज्यर उन्नति से सैक्रिफाइस कर दे सबकि वयस्का नारी एवं जी कि अत्यंत कुश्चित देखा बहुत करने राजी से कही नारी पुरुष ठारु स्वाधीनता चाहे से स्वाधीन भाव में बची रही चाहे एवं जो स्वाधीन भाव में बंची रहा चाहे जो से कही से उत्तर हर्षवर्धन खुशी होती से जाते बंधु जो बहुत करापर जो से बंधु बहुत करो मायावी नारी कह दिन में बार घंटा पर्यंत खुशी तो देखा बार घंटा पर्यंत सुंदर देखा तुम्हें कौन से राजी से बंधु कही हाँ तुम्हें तुम जहाँ इच्छा तुम से कर एवं यही कथा जो शुणी से सांगे सांगे निजक पूरा अत्यंत सुंदरी स्त्री परिणत कर देखते कही मोर जो रूप तुम देखी भय पाई वास्तविक से मोर रूप नुहे मो प्रकृति में सुंदरी नारी तुमको से भाई ये कर राजा राज्य पाई ठाकुर पाखे ठाकुर चाहूल नारीर स्वाधीनता उपरे कथा उठी ठाकुर कहते भारतीय संस्कृति ने नारीर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अच्छी नारी कथार तात्पर्य हूँ जी समस्त को सम्यक भाव सर्वप्रकार जीवन एवं वृद्धि उन्नति में सार्थक आए
ସାର୍ଥକତା ଦେଇ ଯେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ନାରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଜୀବନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିର ଉନ୍ନତିର ସାର୍ଥକତାରେ ଆଣିକି ସେ ଯିଏ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ନାରୀ ଏବଂ କେହି ନାରୀମାନେ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିକାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଭୂମିକା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନାରୀର ସଂଜ୍ଞା। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯାହାକି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନାରୀ ବାସ୍ତବିକ ତାର ଜୀବନୀର ଯେଉଁ ପରିସୀମା ଅଛି ସେହି ପରିସୀମା ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚଳିବା କଥା ଏବଂ ସେହି ପରିସୀମାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ତାର ପାରିବାରିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ତାହା କୌଣସି ଶାନ୍ତିର ବିଧାୟୀ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସେ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନାରୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠେ କାରଣ ସେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସେ ସେତିକି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ ନା ଯେତିକି ଯେଉଁଟା ପୁରୁଷ ତାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନାରୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ତାର ପୁରୁଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜ ଆସିଛି ନାରୀକୁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଓମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ତେଣୁ ସେହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ନାରୀ। ନାରୀ ଯଦି ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଜୀବନରେ ସର୍ବନାଶ କରିବ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଯଦି ନାରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ନାରୀର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୁରୁଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସିଏ ହେଉଛି ତାର ସିଏ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ତ ସେ ସୁଖ ପାଇପାରେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଖୀ ପାଏ ଏବଂ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସହଯୋଗ ପରି ତୃପ୍ତି ପାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ସେଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୋତେ ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ନାରୀ କେବଳ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ, ପୁରୁଷ କାହିଁକି ରୋଷେଇ କରିବନି। ମୁଁ ସେଦିନ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଯଦି ଆଣିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ା ଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ହୁଏତ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପାଣିରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଏ, କାରଣ ପାଣି ହେଉଛି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଭରା, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ମୂଳ ହେଉଛି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ସିଏ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ ସେବା ପାଇ ତୃପ୍ତ ପାଏ ଏବଂ ନାରୀ ସେବା ଦେଇ ତୃପ୍ତ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ରୋଷେଇ କରେ ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିକି ହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ପରିଜନକୁ ସେତିକି ମାନେ ତୃପ୍ତି ଦେଇକି ସେ ହିଁ ତୃପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ତାର କ୍ରିୟାକଳାପ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପରିସର ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ିନାଲି ତା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁରୁଷଟା ସାଧାରଣତଃ ତାର ପରିସୀମାକୁ ସେ ପରି ତାର ସେବା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସୀମାକୁ ସବୁବେଳେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ୱାଇଡ୍ରେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସେ ଗଭୀରତାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ନାରୀର ଗଭୀରତା ବେଶୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ୱାଇଡ୍ରେ ହେଉଛି ବେଶୀ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସତୀତ୍ୱର କଥା ଉପରେ ନାରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ନାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯେତିକି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅନୁରାଗ ହୁଏ ତାର ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ବିଙ୍ଗଟା ବା ତାର ଶରୀର ମାନସର ସତ୍ତା ଏବଂ ତାର ଡିମ୍ବକୋଷ ଏପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣମୁଖର ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ ସେ ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଏହି ଶୁକ୍ରାଣୁରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୋମୋଜୋମକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି
ତାକୁ ବିକଶିତ କରି ତୋଳିପାରେ ଏବଂ ଏକ ସୁସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ସେତିକି କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅନୁରାଗ ନଥାଏ ତେବେ ତା ସାଇକୋଫିଜିକାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରେନି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେନି। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏକ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସମାଜ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଭଲ ସନ୍ତାନ ପରିବାରରେ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାଦା ତ କହିଥିଲେ 7 ବଜେ ଟାଇମ୍, ତେଣୁ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବିଧାନ ପାଇଁ ପରମପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ସାକାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାମୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ି ବିରାମ ଦେଉଛି। ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।